हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्मन होलैंड की। दोस्तों, नॉर्मन होलैंड अमेरिका के एक लिटरेरी क्रिटिक हैं और इन्होंने साइको एनालिटिकल एनालिसिस के ऊपर बात की है। आप लोग जानते हैं कि साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, ये उसको बोला जाता है जब इंसान के माइंड को पढ़ा जाता है, इंसान क्या सोच रहा है, क्या उसके आइडियाज हैं और क्या उसके विचार हैं। जब एक इंसान किसी चीज को देखकर या किसी चीज को पढ़कर जो अपने माइंड में सोचता है और जो वो सोचता है, जो वो विचार कर रहा है किसी चीज को देखकर या किसी चीज को पढ़कर, उसी को हम बोलते हैं साइको एनालिटिकल। साइको मीन्स माइंड और एनालिटिकल मीन्स उसको एनालाइज करना, यानी किसी इंसान के माइंड को एनालाइज करना, ये साइको एनालिटिकल एनालिसिस होता है। और ये जो इन्होंने बात की है, ये रीडिंग के प्रोसेस में की है। यानी एक रीडर जब किसी वर्क को पढ़ता है, वो पोयम को पढ़ता है या वो प्रोज को पढ़ता है, तो पोयम या प्रोज को पढ़ने के बाद में वो क्या सोचता है, इस बारे में बात की है नॉर्मन होलैंड ने। आपने इस तरह से सिगमंड फ्रॉयड को पढ़ा है, कार्ल यूंग को पढ़ा है, जितने भी साइकोलॉजी से जुड़े हुए थियरिस्ट हैं, सबने इसी को लेकर बात की है। तो देखते हैं, नॉर्मन होलैंड ने कहा है कि रीडर का जो इवैल्यूएशन है और रीडर का जो एक क्रिटिसिज्म है किसी भी टेक्स्ट को लेकर, वो टेक्स्ट से भी इम्पोर्टेंट होता है। यानी टेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि एक रीडर उसको पढ़कर क्या सोचता है, एक रीडर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी तो आपको ये भी जरूर पता होगा कि न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर जो टेक्स्ट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, और न्यू क्रिटिसिज्म में कहा गया था कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ना रीडर इंपॉर्टेंट है और ना किसी भी तरह की हिस्ट्री या रिलीजन या फिर यानी बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट बता रहे थे न्यू क्रिटिक, लेकिन नॉर्मन होलैंड ने कहा कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रीडर का जो इवैल्यूएशन है, रीडर का जो क्रिटिसिज्म है टेक्स्ट को लेकर, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कहा है इन्होंने कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्स्ट, इट्स इंपॉर्टेंस टू क्रिटिक। इन्होंने बात की है कि एक रोल, एक टेक्स्ट का क्या रोल है, एक टेक्स्ट का क्या मकसद है और क्रिटिक के लिए एक टेक्स्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर भी नॉर्मन होलैंड ने बात की है। आगे कहा है कि नॉर्मन होलैंड ने एक न्यू अप्रोच दी है, जो न्यू अप्रोच है वो रीडर रेस्पॉन्स की है। इन्होंने कहा है कि रीडर का क्या रेस्पॉन्स है एक टेक्स्ट को लेकर, ये इंपॉर्टेंट होगा। और कहा है एंड देयर इंटरप्रिटेशन टुवर्ड्स अ टेक्स्ट, और रीडर का रेस्पॉन्स और रीडर की जो इंटरप्रिटेशन है किसी टेक्स्ट को लेकर, ये काफी मायने रखती है और काफी इंपॉर्टेंट होती है। और ये एक तरह से क्या है, न्यू अप्रोच है। यानी नॉर्मन होलैंड ने क्रिटिसिज्म को एक डायरेक्शन दी, एक न्यू डायरेक्शन दी, और वो न्यू डायरेक्शन क्या है कि आप रीडर के रेस्पॉन्स को जानें। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई मूवी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मूवी देखने वाले उस मूवी के बारे में अपने जो विचार देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मूवी से हम बाहर निकलते हैं तो बाहर कुछ न्यूज वाले रहते हैं और वो हमसे उस मूवी के बारे में रेस्पॉन्स लेते हैं, तो जिस तरह से भी रेस्पॉन्स होते हैं, जिस तरह के भी हमारे व्यूज होते हैं, वो काफी मायने रखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि किसी भी टेक्स्ट को लेकर जो रीडर का रेस्पॉन्स होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, और जो भी रीडर इंटरप्रेट करेगा टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी टेक्स्ट ऐसा नहीं है जिसकी मीनिंग फिक्स हो, यानी किसी भी टेक्स्ट की मीनिंग कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। आपने एक टेक्स्ट को पढ़ा, आप उसके अलग मीनिंग लेंगे, मैंने पढ़ा, मैं उसका मीनिंग अलग लूंगा, तो हर रीडर एक टेक्स्ट की मीनिंग अलग अलग लेगा, तो इसलिए टेक्स्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके पढ़ने वाले इंपोर्टेंट होते हैं। इसी बात को इन्होंने, इसी बात को आगे एक्सप्लेन किया है, इन्होंने कहा है कि हर एक रीडर किसी भी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करता है। ठीक है, यानी हर टेक्स्ट को पढ़ने वाला टेक्स्ट को अपने हिसाब से समझता है, अपने ही मीनिंग उसके निकलते हैं, और उन्होंने कहा है कि वो अपने ही हिसाब से उसका सेंस निकालता है, अपने मीनिंग निकालता है। और हमेशा जब भी टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, जो भी कोई रीडर के टेक्स्ट को पढ़ता है,
तो जो मीनिंग वो निकालता है वो रीडर के कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पार्ट से निकलती है। यानी अगर मैं किसी पार्ट को, किसी भी टेक्स्ट को अगर मैं पढ़ रहा हूँ, उसको रीड कर रहा हूँ, तो उसकी जो मैं मीनिंग निकालूंगा, मीनिंग कहाँ से निकालूंगा, अपने माइंड से निकालूंगा, जो मैं सोचूंगा वही तो मीनिंग निकलेगी। तो यही कहा कि रीडर जब भी किसी टेक्स्ट को पढ़ता है, इंटरप्रेट करता है, तो वो इंटरप्रिटेशन कहाँ से आती है, रीडर के कॉन्शियस पार्ट से या फिर अनकॉन्शियस पार्ट से आती है। और एक रीडर की अपनी फीलिंग होती है, अपने इमोशंस होते हैं, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, जो वो एक टेक्स्ट पर अप्लाई करता है जब वो टेक्स्ट को पढ़ता है। यानी जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हम क्या क्या चीज़ अप्लाई करते हैं टेक्स्ट पर, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को और अपने जो पुराने एक्सपीरियंस हैं लाइफ से जुड़े हुए, तो हम हर चीज़ को इस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब नॉर्मन होलैंड से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म है, आप इसको भी देख लें, डेल्फी सेमिनार। ठीक है, लगभग 1970 की बात है, नॉर्मन होलैंड और उनके जो दोस्त हैं वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क की, बुफेलो इस जगह पर, तो वहां पर नॉर्मन होलैंड और उनके जो दोस्त हैं ये सब इकट्ठे होते थे। 1970 की बात है और यहीं पर इकट्ठे होकर इन्होंने एक रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी को इन्वेंट किया था, उसको डेवलप किया था। और इन्होंने इस ग्रुप को, इस सेमिनार को, ये जो ये यहाँ पर बैठते सब लोग आकर, इन्होंने इसको नाम दे दिया डेल्फी सेमिनार। जो डेल्फी सेमिनार थे उसमें कौन कौन लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, इंस्ट्रक्टर आते थे, और ये सब लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे किसकी, पोयम के रेस्पॉन्स की। इन सब ये पोयम पढ़ते रहते थे और उस पोयम के क्रिटिसिज्म करते थे, उसका रेस्पॉन्स करते थे। पोयम के अलावा ये लोग स्टोरीज पढ़ते थे और इसके अलावा दूसरी जो भी रीडिंग है वो पढ़ते थे, और इन रीडिंग के बाद में, इन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में, ये अपना अपना रेस्पॉन्स दिया करते थे। ठीक है, तो आप ये समझ गए हैं डेल्फी सेमिनार क्या। डेल्फी सेमिनार 1970 में एक ऐसा ग्रुप था जिस ग्रुप में नॉर्मन होलैंड और इसके अलावा दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं या इंस्ट्रक्टर हैं या जो रीडर्स हैं वो इकट्ठा होते थे और वो पोयम को पढ़ने के बाद में अपने अपने रेस्पॉन्स देते थे, और स्टोरीज हो या दूसरे टेक्स्ट को पढ़कर अपना अपना रेस्पॉन्स दिया करते थे, और इसीलिए इसका नाम पड़ा डेल्फी सेमिनार। और नॉर्मन होलैंड ने इस बात को अपनी जो है आगे की जो राइटिंग है उसमें भी दिखाया है। नॉर्मन होलैंड ने 1995 में एक नोवेल पब्लिश कराया और जो वो नोवेल है वो इसी डेल्फी सेमिनार पर बेस करता है, जिसका टाइटल है डेथ इन अ डेल्फी सेमिनार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनका नोवेल है, डेथ इन अ डेल्फी सेमिनार। तो ये जो डेथ इन अ डेल्फी सेमिनार है ये इसी सेमिनार के ऊपर बेस इनका नोवेल है, 1995 में ये लिखा गया था। इसका जो पूरा टाइटल है डेथ इन डेल्फी सेमिनार अ पोस्ट मॉडर्न मिस्ट्री। आगे कहा है कि ये जो स्टोरी है वो एक इंग्लिश डिपार्टमेंट में इसकी स्टोरी को रखा गया है, और जो रीडर है वो एक टेक्स्ट को पढ़ता है, और जब वो टेक्स्ट को पढ़ता है तो वो क्या देखता है उसमें, रीडर का जो रेस्पॉन्स है उसको देखता है, और ये जो थियरी है पूरी वहां पर इसका अच्छे खासा जिक्र किया गया है ना। तो ये जो नॉवल है इनका डेथ इन डेल्फी सेमिनार, इसमें उन्होंने एक रीडर को क्रिएट किया है, और रीडर जो है वो एक इंग्लिश डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और वो रीडर जो है एक क्राइम और कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहा है, और वो समझते समझते रीडर के रेस्पॉन्स को भी समझता है। एक दूसरा नोवेल है नॉर्मन होलैंड का और इस वर्ड्स का, जो कि है डेल्फी नो दाई सेल्फ, जिसका फुल टाइटल है नो दाई सेल्फ डेल्फी सेमिनार्स, 2009 में ये लिखा गया था। नॉर्मन होलैंड और इस वर्ड्स ने इसको लिखा था, और इसमें भी उन्होंने डेल्फी सेमिनार के बारे में बताया है और जो भी टीचिंग स्टाइल्स हैं उनके बारे में बताया है, और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो इन्होंने इसमें काम किया है, वो सब बातें इसमें बताई गई हैं। इसके अलावा जो नॉर्मन होलैंड के इंपोर्टेंट वर्क्स हैं आप देख सकते हैं, द फर्स्ट मॉडर्न कॉमेडीज 1959 में आई, दूसरा साइको एनालिसिस एंड शेक्सपियर 1966 में आई, फाइव रीडर्स रीडिंग 1975 में, द ब्रेन एंड द बुक ये आई, और इनके लास्ट वर्क जो इम्पोर्टेंट है द डायनामिक्स ऑफ लिटरेरी रेस्पॉन्स 1968 में। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया होगा, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।